हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं दो चीज़ करने वाला हूँ। एक कैमरे की अनबॉक्सिंग करूँगा एंड दूसरी क्या बोलते हैं, वही कैमरे को एक्सप्लोर करने के लिए मैं थोड़ा बाहर घूमने भी जा रहा हूँ, मतलब माउंटेन्स में वगैरह। सो वहाँ पर मैं आपको क्वालिटी भी दिखाऊंगा एंड थोड़े से फीचर्स भी बताऊंगा उस कैमरे के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं अनबॉक्स क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे भाई ने, तो क्या बोलते थंबनेल में देख ही लिया है मैं आज क्या अनबॉक्स करने वाला हूँ। सो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ Insta360 1R, जो कि एक एक्शन कैमरा है एंड 360 डिग्री वाला कैमरा भी है। सो चलो इसको अभी अनबॉक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को इसको सेटअप पे डालना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। सो कैमरा सेटअप हो गया है, तो अभी इसका भी अनबॉक्स करते हैं। सो मैं एक चीज़ बता दूँ, तो मैंने यहाँ पे बता गया Insta360 ट्विंस एडिशन मंगाया था, लेकिन मेरे को सिर्फ एडिशन मिला जिसमें मेरे को सिर्फ 360 डिग्री कैमरा मिला, लेकिन इन लोगों ने मेरे को साथ में 4K वाइड एंगल मोड भी दिया है, एंगल से 4K वाइड एंगल कैमरा भी दिया अलग से। मैंने दोनों चीज़ एक ही बार में बुलाया था, लेकिन अलग अलग चीज़ दे दी है, तो भी चलता है क्योंकि वही प्राइस रेंज में मेरे को मिली है दोनों चीज़ें, तो चलता है यार, और क्या। तो अभी चलो इसका भी अनबॉक्स करते हैं। ये है कैमरा, ये कोर और ये इसका लेंस एंड ये है उसकी बैटरी, जो कि एक ही मिली है बॉक्स में। सिर्फ इतना ही सामान मिल रहा है मेरे को कि ये बैटरी, कोर एंड कैमरा, ये तीनों अलग अलग चीज़ रहती है जिसको अपने को असेंबल करना है। तो इसको थोड़ा बाजू में रखता है अभी फिलहाल। एंड यहाँ पे बॉक्स में और क्या मिला है मेरे को, कुछ काम है नहीं। सो यहाँ पे मेरे को चार्जिंग के लिए केबल मिली है टाइप सी, थोड़े से स्टिकर्स मिले हैं Insta360 के, और क्या है, बुक्स जो कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्या है, ओके, एक कपड़ा मिला है साफ़ करने के लिए, लेंस वगैरह साफ हमेशा रखना चाहिए उसके लिए, और क्या मिला है, ओह माय गॉड, हमें मिला है यहाँ पे मेरे को इसका केस मिला है जिसपे मैं क्या बोलते हैं अपना Insta360 लगा सकता हूँ, और ये 360 के लिए कवर है जिससे मैं अपना कैमरा हमेशा कवर रख सकता हूँ, इस टाइप से हमेशा कवर रखना, नहीं तो डस्ट वगैरह आके बैठ जाती है, फोटेज ख़राब हो जाती है, और क्या। ओके, यहाँ पे और दो तीन चीज़ें मिली मेरे को, ये इस साइड से माउंट करने के लिए ही दिया है। ओके, ये इनविजिबल स्टिक के लिए दिया गया है, यहाँ पे ये स्टिकर है, ये यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है फॉर इनविजिबल, दिख रहा होगा तो प्लीज़ देख लो, फोकस हो गया होगा शायद से। सो इसको भी रिमूव करते हैं यहाँ से, ये रिमूव हो गया है, यहाँ पे क्या बोलते हैं सेल्फी स्टिक लगेंगी जो कि इनविजिबल रहेंगे। तो इसमें मेरे को इतना ही सामान मिला है, ये दूसरा लेंस, ये अलग से लेंस मिला है यार, मैंने तो ये सब कुछ एक ही बार में ऑर्डर किया था, लेकिन अलग अलग चीज़ मिली, लेकिन अलग अलग में मिला, कोई बात नहीं, अपने को तो उतने में मिला ना। ये है 4K वाइड एंगल कैमरा, ये मिला एंड इसके साथ साथ क्या मिला है यार, सिर्फ कैमरा दिए इन लोगों ने और कुछ नहीं, ये कैमरा मिला है और क्या, ये सेल्फी स्टिक मेरे को अलग से लेनी पड़ी, इसके साथ आती नहीं, और दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैंने बुलाया था लेकिन आई नहीं है, वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा मैंने क्या क्या बुलाया था। और इसका भी अनबॉक्स कर ही लेते हैं, इनविजिबल सेल्फी स्टिक का। ओके, नॉट बैड, ये तो अभी आपको दिख रही होंगी सेल्फी स्टिक, लेकिन जब मैं इसको इस कैमरे में यूज़ करूँगा तब आपको नहीं दिखेंगी। सो हो गया, मेरे को तो इतनी चीज़ मिली है, ये देखो यार ये कैमरा कितना मस्त है, छोटा सा है लेकिन मस्त है। सो इसके रिव्यूज मैंने पढ़े थे जो कि बहुत अच्छे थे, तो इसलिए मैंने ये कैमरा लिया GoPro छोड़ के, इसको ऐसा ही व्लॉगिंग की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, जो कि मैं ब्लॉगिंग की तरह ही यूज़ करने वाला हूँ इन फ्यूचर। और ये बैटरी लगाओ यहाँ पे, ये बैटरी लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मेरे को, क्योंकि अभी मेरा हो सकता है कि मेरी स्टार्टिंग हो इसलिए,
कंपनी वालों को ना इसको थोड़ा सा इजी टाइप देना था यार। अभी अनबॉक्सिंग तो हो गई, अभी थोड़ी देर में हम भी निकलने वाले हैं, सो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में एंड नए नए इसके शॉर्ट्स दिखाऊंगा एंड धीरे धीरे करके मैं इसके फीचर्स भी आपको बताते रहूँगा। सो चलो थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो मैंने जो अनबॉक्सिंग किया था ना भाई, उसको हो चुके हैं लगभग एक वन वीक हो चुका है। मैं उसी शाम को जाने वाला था लेकिन कुछ कारण के कारण मैं जा नहीं पाया। एंड मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा पहले जान लेता हूँ इसके बारे में कि कैसा है क्या है, तो मैंने ऐसे ही घर पे यूज़ करना चालू किया। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखा एंड ऐसे ही क्या बोलते हैं यूज़ करना बहुत मुश्किल है उसको, क्योंकि जैसे आप तो वीडियो शूट कर लेते हो लेकिन उसके बाद जो मोबाइल में जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसका बहुत हार्ड है। अगर आप स्टार्ट पहली बार कर रहे होंगे तो मेरे को भी बहुत हार्ड लगा था वो, लेकिन मैं सीख गया। फिर अगर आप एक बार सीख जाते तो फिर भाई बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा एक हफ्ता देते हैं, थोड़ा सा रिव्यू भी दे दूंगा मैं आपको एंड थोड़ा सा बता भी दूंगा कि कैमरा कैसा है, आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं, ये पूरी चीज़ें बताऊँगा मैं। तो आज की अभी तो अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैं घूमते घूमते आपको बताऊँगा कि मैं क्या बोलते हैं कैमरा कैसा है, कैमरे के फीचर्स बताऊँगा एंड थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट्स वगैरह भी बताऊँगा। तो आज मेरे साथ ये भी आया है विवेक, तो अभी हम आप कार से निकलने वाले हैं, तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे एंड मैं आपको डायरेक्ट वो लोकेशन पे ही मिलता हूँ। तो चलो अभी डायरेक्ट आप ही मिलते हैं। ओके सो गाइस, हम देखो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अभी हमको ना ऊपर जाना है वो वाले साइड में, मतलब ये पहाड़ है ना तो इसके उधर साइड जाना है हमको। सो वहाँ पे अभी जाएंगे हम, हमारे पास एक दोस्त आने का है जतिन, वो आ जाएगा तो हम वहाँ पे जाएंगे ऊपर साइड एंड वहाँ पे भी मैं आपको चलते चलते में ही बताऊँगा कि कैसा ये कैमरा वगैरह है। अभी तो गाड़ी को फ़िलहाल यहाँ पे पार्क कर दिए है एंड ये जंगल के एरिया से होते हुए जाना है हमको अभी। सो अभी चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर एंड टोटल हम लोग एक दो तीन चार पाँच लोग हैं टोटल। तो पांचों लोग अभी जा रहे हैं ऊपर साइड एंड वहाँ का भी व्यू दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है। चलते रहे बस, और इसके हाथ में मेरा 360 कैमरा है। बस ये चढ़ना है एकदम, ये पहाड़ी चढ़नी है एंड थोड़ा सा ट्रैवल करना है आगे के साइड एंड हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें पहुँचना है। एंड आप मेरे पीछे की जगह देख सकते हो, हम अभी इतना चढ़ चुके हैं, अब बस थोड़ा सा और चढ़ना है। अभी नाक बंद है तो मैं थोड़ा जल्दी थक रहा हूँ। और ये देखो ये हमारा दोस्त भी आ गया, विवेक बहुत स्लो आ रहा है, बहुत ही स्लो। अभी तो हम आधा ही रास्ता पहुँचे हैं लेकिन मेरी हालत देख लो, पूरा पानी पानी हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली ना रात के समय पानी भी आया था, सो इसलिए क्या बोलते पूरे पत्तों पे ऊपर गिर गया इसलिए तो पानी पानी हुआ है, समझा। हाँ, इसलिए तो देखा कैसे बताते सही तरीके से, तो वो पूरा पानी मेरे ऊपर गिर रहा है। हम पत्तों से झुक झुक के जा रहे हैं ना तो पूरा पानी पानी हो रहा है। और ऐसी जगह पे ये तो कोई रजिस्टर्ड जगह नहीं है, मतलब ऐसे हमारे दोस्त ने बताया था वहाँ पे हम। और पत्तों से देखो पानी ही गिर रहा है, यहाँ पे आराम आराम से चलना पड़ रहा है। पत्थर वगैरह जंगल वगैरह पार करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन में थोड़ी देर में पहुँचने वाले। हम यहाँ पे ऊपर पहुँच गए और ये इस कैमरे के बारे में अभी आपको मैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ। सो ये कैमरा 5.7K की वीडियो निकालता है 30fps में, और इसका 360 वाला अगर कैमरा हटा दे और 4K वाला लगाए सो ये क्या बोलते अपने को 4K के रेजोल्यूशन में 60fps का स्लोमो देता है। एंड अगर आपको अच्छा स्लोमो वीडियो बनाना है तो ये 120fps तक के जाता है लेकिन 180p के रेजोल्यूशन में। एंड इसकी कैमरा फोटो क्वालिटी बोले तो ये 4K में क्या बोलते 12 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ निकालता है जो कि बहुत अच्छी निकालते हैं, और 360 में भी उतना ही है।
और हो गया एंड इसके अंदर क्या बोलते हैं फ्लोर स्टेबलाइजेशन है, जो कि भाई इतना स्टेबल है कि आप कितना भी हिल लो तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल करता है उसको, आप देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्टेबल करता है ये वीडियो को। और क्या बोलते हैं 360 में, अगर 4K का कैमरा लगा है तो उतना मेरे को लगा नहीं, लेकिन 360 में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्टेबलाइजेशन लगता है। 5 meters तक के वाटरप्रूफ है कैमरा, आप पानी के अंदर इसको क्या बोलते हैं शूट कर सकते हो। और एक मेरे को अच्छी बात लगी कि आपको इसके ऊपर क्या बोलते हैं गार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट पानी के अंदर घुसा सकते हो एंड शूट कर सकते हो। एंड इसका 1 घंटे का बैटरी बैकअप है जो कि ठीक ठाक है, कंपनी और थोड़ा अच्छा कर सकती थी लेकिन ओके। तो और कुछ नहीं इस कैमरे के बारे में, एंड इसे आप क्या बोलते हैं स्लो मो तो ले ही सकते हो, टाइम लैप्स भी ले सकते हो बहुत अच्छे अच्छे, हाइपर लैप्स भी ले सकते हो। एंड इसके अंदर ना बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं ऐप में, जिसमें आप क्या बोलते हैं अलग अलग टाइप की वीडियोस बना सकते हो। एंड उसी ऐप में क्या बोलते हैं वो अपना ट्यूटोरियल भी देते कि आपको इसको शूट कैसे करना है करके। तो आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि इसके 10 या 6 ऐसा कुछ तो भी, मतलब इतने सारे फीचर्स इफेक्ट्स दिए हुए हैं तो आप बताना। आपको अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। तो अभी तो मैंने आपके इसके पूरे क्या बोलते फीचर्स बता, मतलब इसके अंदर के बता दिया सब कुछ। सो अभी क्या बोलते हम यहाँ पे तो पहुँच गए, तो यहाँ पे ये लोकेशन का थोड़ा सा ड्रोन से भी शूट लेते हैं, इसका थोड़ा हाइपर लैप्स भी बनाते हैं। तो अभी चलो ड्रोन निकालते हैं अपना, इस टाइप से नहीं निकालते यार, थोड़ा सा इससे क्या बोलते थोड़ा सा ब्यूरोल सिनेमेटिक वीडियो बनाते हैं, इसी से बनाते हैं और इससे ही इसका क्या बोलते हैं निकालते हैं एंड उड़ाते हैं। तो आप देखो सुने हैं। जो फोटेज देखी वो मैंने Insta360 से एंड अपना क्या बोलते ड्रोन से निकाला था। आप बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। एंड चलो अभी इसके थोड़े से 3 नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ जो कि मेरे को लगे हैं। तो पहला पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है वो है कि ये बहुत जल्दी ना हीट हो जाता है, मतलब आप थोड़ी देर यूज़ करोगे एंड थोड़ी देर में ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है, ये मेरे को बहुत बेकार लगा। लेकिन कंपनी वाले कुछ कर सकते थे यार, ये हीट नहीं होना चाहिए करके, ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है। और अभी इसकी दूसरा पॉइंट बताता हूँ जो कि इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो 1 ही घंटे का है, मतलब बहुत जल्दी उतर जाता है। तो कंपनी वाले इसको 2 घंटा कर सकते थे यार, लेकिन जो इसकी ऊपर इसकी और एक बैटरी आती है जो कि बहुत बड़ी है, उसका मेरे को मालूम नहीं कि कितना टाइम लेती है वो उतरने में, लेकिन शायद से वो 2 घंटा चलती होंगी, ये 1 घंटा चलती है वो शायद से 2 घंटा तक चलती होंगी। ये समझ लो इतनी साइज़ की है तो उतनी थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है। ये मैंने ऑर्डर किया हो जो कि ये आने का है और 2-3 चीज़ें हैं जो कि आने की है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि ये इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं है। तो अभी तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि इसकी जो स्क्रीन है ना बहुत छोटी है, तो क्या बोलते जो टच करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत लैगी है इसका स्क्रीन, टच सेंसिटिविटी थोड़ी कम है इसकी। जैसी GoPro में देखो तो वो बड़ी स्क्रीन है तो वो थोड़ा जल्दी रिस्पांस देती है, थोड़ा लेट रिस्पांस देती है। और एक बात है, अगर आपने अगर इसमें मोबाइल ऑन रखे हो कनेक्टेड, तो फिर ये क्या बोलते हैं ऐसी ऊपर जो रिकॉर्डिंग का बटन दिया हुआ है ना वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर मोबाइल कनेक्टेड है तो। आपका मोबाइल कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड होने में भी 1-2 सेकंड लगाती है चालू होने में, जो कि नहीं लगना चाहिए यार। तो अभी चलो अभी इसके पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ मैं, जो कि जैसे 3 नेगेटिव पॉइंट बताया अभी 3 पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है चेंज लेंस, क्या बोलते हैं चेंजेबल है, तो क्या बोलते हैं इन फ्यूचर अगर कंपनी नया लेंस लाती है तो मेरे को पूरा कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेंस लो काम चलाओ, लेंस लो काम चलाओ, बहुत सही है आइडिया है, मतलब अच्छा कंपनी ने रखा है। अगर मैं GoPro लेता तो ये मेरे को क्या बोलते फीचर नहीं मिला रहता, और सोचो कि अगर मेरा कैमरा अगर गिर गया लेंस टूट गया तो मेरे को पूरा कैमरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेंस लेना पड़ेगा, या बैटरी ख़राब हो गई तो बैटरी नहीं लेने पड़ेंगी, या क्या बोलते उसका जो ब्रेन है वो ख़राब हो गया तो नया ब्रेन लेना पड़ेगा। GoPro में रहता तो पूरा का पूरा नया लो, ये भी है। तो कि ये पॉइंट है ना बहुत सही लगा मेरे को इस कैमरे का। तो अभी चलो इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि ऑडियो, भाई इसका इंटरनल ऑडियो जो है भाई बहुत सही है, आप इसका अभी सैंपल देखो।
सो गाइज अभी ऑडियो टेस्टिंग हो रहा है 1, 2, 3, 4 का, 5 एंड 6, 7 का, 8। तो भी अभी आप वो वॉइस चेक कर रहे हैं और आगे की बात सुनो अभी। और अभी आपने ये जो सैंपल देखा ये भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सही में उसी से लिया गया है जो कि बहुत ही सही आया है भाई। मैं तो शौक है कहता कि भाई इतना छोटा ले, इतना मतलब इतना अच्छा क्या बोलते हैं ऑडियो कैप्चर कर सकता है। मैं बहुत भूल जाता यार और 2-3 लाइन बार बार रिपीट करता हूँ। और इन फ्यूचर मैं इससे क्या बोलते ऑडियो इतना अच्छा है तो मैं इसी से ही ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। और हो गया सेकंड पॉइंट यहाँ पे ही ख़त्म। अभी अपन अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है लैग नहीं होता। लैग मतलब ये क्या बोलते हैं, ये नहीं होता, क्या बोल सकते अपन, हैंग नहीं होता। जैसे GoPro 9 या 8 को मैंने देखा, उन्हें यूज़ कर चुका हूँ मैं उनको भी, तो वो कैसी हैंग होते हैं, ये हैंग नहीं होता। ये बहुत मतलब सेंस क्या बोलते हैं, टच करने में थोड़ा स्लो है लेकिन हैंग नहीं होता भाई। और मोबाइल से यूज़ करूँगे तो बहुत फास्टली काम करता है। और हो गया, यही 3 पॉइंट थे इसके बारे में। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, जो कि कोई भी यूट्यूबर ने आपको बताया नहीं होगा। वो एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट भी नहीं बोल सकते, पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, राज खोलो पॉइंट है वो। अपनी मन से कुछ भी बना लिया तो वो आपको लास्ट में दिखाऊँगा। तो यहाँ के थोड़े से और सिनेमेटिक्स लेते हैं, तो टाइम लैप्स लेते हैं, जो कि मेरा कैमरा वहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, वो कैमरा भी मेरा टाइम लैप्स ले रहा है। तो देखो ना, मैं क्या बोलते इससे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, देखते इससे अभी कैसा आता है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ही आ रहा होगा, आपको भी मजा आ रहा होगा। और ये क्या बोलते फिलहाल मेरे कैमरे से व्लॉगिंग कर रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे ये कैमरे के बारे में? नहीं, ये ऐसा है अगर हम बोलेंगे तो आपका व्लॉग खराब हो जाएगा, इसलिए आप एक काम करिए, आप सीधे सीधे सामने निकल कैमरे के बारे में बोलो। हाँ, कैमरा तो बहुत अच्छा है, इतना है कि इसका सब कुछ अलग होता है GoPro से अच्छा। GoPro अगर खराब हुआ तो कैसा रहता है कि मैं पूरा नया खरीदना पड़ता है। इसमें कैसा है, आप एक पार्ट चेंज कर सकते हो, जैसे बैटरी के तो बैटरी, ये सिस्टम गया तो सिस्टम, ये कैमरा गया तो कैमरा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल हम सब लोग ही निकल रहे अभी। चलो यार अभी बहुत ही हो गया, मेरे पैर में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा यार वो वाली बात, अभी नहीं बताऊंगा। ऐसी कैसी, अभी बता दिया तो आप लोग वीडियो को देखेंगे ही नहीं। उससे अच्छा है थोड़ा सा रुक और देखो, क्वालिटी तो आपने देख ही ली कैमरे की कैसी है, आपको अच्छी लगी ये होंगी। यहाँ पे बहुत झुक झुक के चलना पड़ रहा है और आने वाले व्लॉग्स ना हो सकता है मैं इसी पे शूट करूँ। तो गाइस हम अभी जाएंगे हमारे गाइड से मिलने, मिस्टर जतिन बघेले, मिस्टर जतिन बघेले आ गया बे, भग गया क्या? अभी मेरे को आपको एक चीज़ बतानी जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि मैं बताऊंगा, तो सुनो। जो ये कैमरे में लिखा है 360 वाले कैमरे में कि ये 5.7K की रिजोल्यूशन में आपको वीडियो देता है, ये देता है, लेकिन आप अगर उसको बाद में 16:9 में कन्वर्ट करते हो तो फिर ये 180p में हो जाती है। 5.6 इसका जितने भी पिक्सल्स है ना उनको मिला के 5.7K की वीडियो बनती है पूरे पिक्सल्स मिला के, लेकिन जब उसको एक्सपोर्ट करते हो आप उसको मतलब फ्रेमिंग वगैरह सब कुछ कर लेते हो फिर वो 180p में आ जाती है वीडियो। सो यही मेरे को आपको चीज़ बतानी थी जो कि ये बाकी यूट्यूबर्स ने कवर नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके ये वीडियो देखी है, तो मेरा भी हक बनता है कि आपको रियलिटी बताओ। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, स्पॉन्सर रहता तो कोई यूट्यूबर बोलता भी नहीं, ठीक है? तो मेरे को आपको यही चीज़ बतानी थी। तो चलो अभी अपने घर चलते अपनी कार में, लेकिन ऐसे नहीं जाते यार, और एक छोटा सा बी-रोल सीक्वेंस बनाते हैं कार का भी। सो देखो
सो फाइनली गाइस अभी हम घर आ गए हैं एंड क्या बोलते मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया यार। धूप बहुत थी आज, मेरे को लगा नहीं था क्योंकि सुबह सुबह जब उठा था तो बहुत बादल थे, लेकिन अभी तो बहुत धूप है। अच्छी बात है अपना शूट ख़राब नहीं हुआ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। और हाँ, अभी आपने जो वीडियो देखी ना, ये पूरा सिक्वेंस कार का, ये पूरा क्या बोलते हैं हमने इंस्टा 360 से निकाला है, 4K वाइड एंगल कैमरा से। तो 360 कैमरे से नहीं निकाला, 4K वाइड एंगल कैमरे से इसका शूट किया है हमने। सो आप होप आपको ये पसंद आया होगा। सो चलो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हो या आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ लेना, ऐसे कमेंट्स में पूछ लेना। और आपने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लीजिए। चलो बाय।